वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों से चिंतित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों से 48 घंटों में अवैध बस और टैक्सी स्टैंड को खत्म करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही हेलमेट सीट बेल्ट के प्रयोग को अनिवार्य रूप से कड़ाई के साथ लागू करने, ओवर स्पीडिंग ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई करने और नियमों के उल्लंघन पे चालान करने को कहा है। सीएम योगी के इस निर्देश का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। सीएम योगी के इस आदेश का बंदाइयों में कितना असर देखने को मिल रहा है, इसकी पड़ताल के लिए हमारे संवाददाता विपिन यादव ने ग्राउंड पर जाकर जानकारी जुटाई तो हकीकत कुछ और ही निकली। इस रिपोर्ट में देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कल जो नया आदेश पारित किया है, किसी तरीके का कोई अवैध टैक्सी स्टैंड हो, चाहे बस स्टैंड हो, या तमाम वो जो स्टैंड हुआ करते थे जो अवैध तरीके से खड़ा कर लेते थे, या तमाम रोडों को अवरुद्ध करते थे, तमाम बाधित करते थे, आज उस तक किस तरीके से कड़ाई का बधाई में पालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। सब जनपद बधाई के बिसौली में खड़े हुए हैं, आपको दिखा सकते थे इसे धक्का मारी बात की जा धक्का मारी, पर कहीं पर भी किसी तरीके का अभी तक अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो कि हम प्राइवेट बस हो चाहे ऑटो स्टैंड हो, आप देख सकते हो उनको तमाम जिस तरीके से सवारी बन रही वो अभी भी लगातार उसी तरीके से बन रहे हैं। हालांकि यहाँ के यूनियन नगर पालिका परिषद की उन्होंने बहुत कोशिश की है लगातार वो जो तमाम जो पटरियों पर तमाम अवरुद्ध करे पड़े हैं, तमाम जो जाम लगाए पड़े हैं वो इन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके का सामना नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग हटा पाए। आप देख सकते हो क्यों ड्राइवर तो मुख्यमंत्री जी का आदेश मालूम है आपको, अवैध टैक्सी स्टैंड नहीं लगा सकते तो कैसे लगा रहे हो? आप देख सकते हो अलग कैमरे के आगे आगे तो आपको बताएं बसें भी खड़ी हुई है, इन बसों में आप साफ तरीके से देख सकते हो किस तरीके से यहाँ तो अवैध टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंडों की तमाम उन चीजों को देखने के लिए पड़ताल करने के लिए हम लोग ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। अब हम दूसरे स्टैंड पर गए हुए हैं, हम आपको दिखाएंगे, पहले मैं आपको दिखाऊंगा जहां तक आपकी नजर जा रही होगी। हालांकि यह टैक्सी स्टैंड बना दिया गया, टैक्सी स्टैंड पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रामलीला ग्राउंड है यहाँ पर जो बसें हो चाहे जो प्राइवेट सर्किल की जो तमाम गाड़ियां होती थी जो तमाम जो टैक्सेस देते हैं वो लोगों उन लोगों ने यहाँ पर आके तमाम यहाँ पर खड़ी करा। हालांकि यो नगर पालिका और नगर पालिका चेयरमैन वगैरह ने बड़ा कोशिश किया कि कहीं ना कहीं रोडों को अवरुद्ध करने से रोका जाए। मेरे साथ में तमाम वो यूनियन के लीडर और तमाम मेरे साथ में वो लोग यहाँ पे मौजूद है, जो आप उनसे बात करेंगे कि इन लोगों को क्या जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात में जो है देर रात जो फैसला आया है वो कितना स्वागत योग्य है, कितने इन लोगों के पक्ष में है। ये ड्राइवर लोग मेरे साथ में मौजूद है, क्या कहेंगे किस तरीके से आप लोगों को कोई बात करेंगे? आप लोग आदेश आया कैसा लग रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री ने डिसीजन लिया है देखा जाए तो बहुत अच्छा है वो, उससे शहर में दुर्घटना और भीड़ भाड़ भी कम होगी, उससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन माननीय योगी जी से हमारी ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि कहीं ना कहीं हमारा पक्का स्टैंड जो है निर्धारित करने की कृपा करें, बस यही कहना है। नहीं, अब जिस तरीके से आप देख रहे हो लगातार कि यहाँ पे जो बसें हुआ करती रोड अवरुद्ध हुआ करते थे, ये घंटों घंटों जाम होते पड़ता था, ये सभी लोगों के लिए कानून मतलब जो है ऐसा नहीं कि चार लोग यहाँ खड़े हो गए चार लोग वहाँ, पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करे, जो लोग कानून का दुरुपयोग करें उनको एक जगह ही जैसे उन्होंने कहा है मतलब उसी तरीके से कानून का पालन हो। यहाँ बिसौली में अगर बात करिए तो यहाँ कहाँ कहाँ पे निर्धारित किया गया, कौन कौन से स्टैंड बनाए? ये रामलीला ग्राउंड बताया गया है, इसलिए कि अगर वो लोग भी नहीं चलाएंगे तो उनके भी बच्चे हैं।